लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बारो, खाना खा। ये ले खा, बारो, खाना खा। नहीं। ए, खाना खा। देख, तू नहीं खाती, बच्चे भी नहीं खाते। ए, आजा। लो। खा, खा। तुम भी खा लो। हाँ। मैं खाई के रास्ते जंगल चली आ। जल्दी करो, जल्दी भागो। आओ, जल्दी आओ, संभाल के आना। पर संभालना। किधर है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। ए, ए, ए उधर देख। किधर क्या है? ए हट। ए, ए। ए, पारो बच्चे कहाँ गए? कहाँ गए पारो बच्चे? खाई में सरकार। हट। क्या हुआ शुभा? हुआ शुभा? शुभा हुआ? क्या हुआ शुभा? पारो और बच्चे? पारो खाई से जंगल में भागे। हाँ, जंगल में। मैं भी जंगल जाता हूँ। ये हटो, हटो शुभा। शुभा, शुभा, ये शुभा। बुधवा थाने चलते। हाँ, रुद्रा को ये बताते। हाँ, चल। हाँ, जाओ, जाओ, रुद्रा, 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 क्या हुआ? रुद्रा, पारो भाभी और बच्चों के पीछे ठाकुर के आदमी पड़े, वो खाई के रास्ते से जंगल की तरफ जा रहे। उन्हें बचा लो रुद्रा, उन्हें बचा लो, बचा लो रुद्रा। अरे मिश्रा जी, छोड़ दो ऐसे, छोड़ दो। चल रुद्रा, तेरा खेल खत्म अब। पारो को और बच्चों को छोड़ दे उधर।
पारो को और बच्चों को छोड़ दे उधम। नहीं छोड़ता। क्या करेगा? ताकत आजमाएगा? रुद्रा में शायद इतनी ताकत नहीं होता, लेकिन एक बाप की ताकत को मत आजमाना। अच्छा? मालिक का हुक्म नहीं होता ना तो तुझे चीर डालता। चल चल चल। रुद्रा मार डाल उसे। चल चल मार। अरे चल मार। मालिक, मालिक वो। अरे कहाँ मालिक मालिक कर रहे हो? कहाँ है रुद्रा? मालिक वो रुद्रा ने उधम को मार डाला। साला 20 लोग गए थे ऊका जंगल में पकड़ने और तुम दबाकर भागा है। कहाँ है रुद्रा? नहीं मिला तो तुम सबकी लाशें टंगवा दूंगा बाहर, समझा? जी मालिक। रुद्रा तो मैं आपका भेजा उड़ा सकता था मालिक, लेकिन मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। अनखाया मैंने आपका। आपके बेटों ने मेरी मुनिया पर बलात्कार किया, मैंने दोनों को मार डाला और इसका मुझे कोई दुख नहीं मालिक, क्योंकि मेरी जगह अगर कोई भी बाप होता तो वो भी यही करता। मैं जानता हूं कि कोरट की नजर में यह गलत है और इसकी सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। पारो और बच्चों को जीने दो, उनकी तरफ आग भी उठाकर मत देखना। ये मेरी विनती है आपसे। रुक रुद्रा। तुम पारो और बच्चों को लेकर भरतपुर जाओ। वहां हमारे भाई साहब हैं, ठाकुर बीरेंद्र प्रताप सिंह। तुम्हारी मदद करेंगे और वही अपने आप को पुलिस के हवाले भी कर देना। पर भरतपुर तो बहुत दूर है यहां से। आधा घंटा में रेलगाड़ी छूटती है भरतपुर के लिए। तुरंत निकलोगे तो पहुंच जाओगे। जाओ।
ए कोई है? ए ठाकुरायन, दरवाजा खोलो। हम वचन देते हैं हम कुछ नहीं करेंगे। दरवाजा खोलो। ए ठाकुरायन दरवाजा खोलो, नहीं तो जान ले लूंगा मैं तुम्हारे। अरे मार डालो, पैसे भी कहाँ रखा इस जिंदगी में। बेटी मर गई तो जवान बेटों की लाशें पड़ी हैं बर्फ घर में, क्रिया कर्म किए बिना। अरे कोई है? दरवाजा खोलो ठाकुरायन। जय राम जी की। ब्राह्मण साहब, कहाँ भाग रहे हो? कहीं नहीं साहब, बच्चों के खातिर भरतपुर जा रहे हैं साहब। रुद्रा वहीं अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। अच्छा, अब उस ठाकुर की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे स्वर्ण लाए उसके नाम। क्या सर? क्या सर? अरे तुम नहीं समझोगे। चलो चलो जाओ जाओ। जय राम जी के। जाओ जाओ। राम राम साहब। रुद्रा ने तुमको मार डाला मालिक। मालूम है हमका, वो यहाँ भी आया था, अब रेलवे स्टेशन की तरफ गया है। अब हमरा बात ध्यान से सुनो। आधा लोग रेलवे क्रॉसिंग पे जाओ और ट्रेन रोक के उमर चढ़ जाओ, और आधा लोग स्टेशन के वास्ते जाओ, हो सकता है रास्ते में मिल जाए। जाओ। अरे रुक जाओ। ठाकुरायन, ठाकुरायन। रुक जाओ। मैं तो भरतपुर जा रहा हूँ अपने आप को पुलिस के हवाले करने। रुद्रा, सब जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, बोलो। बाबूजी, वो गाड़ी गाड़ी पिछले स्टेशन से निकल पड़ी है, आ जाएगी। चलो तुम बैठो। अरे नहीं, चलो बैठो। जय राम जी की ठाकुर। बहुत चर्बी चढ़ गई है। अरे हमारे ही दो आदमी को मार दिए, अब सड़ोगे जेल में तुम। ये देखो कालाए हैं। अरे स्वारंट, बहुत मस्ती चढ़ गई है। अरे भाई तुम्हें चढ़ी है। अरे हमरे खिलाफ वारंट लाए हो। अगर तुहार वर्दी ना उतारी तो हमारा नाम भी अवध नारायण सिंह नहीं। वो तो बाद में, अभी इधर से चलते हो कि चमड़ी उधेड़ के की तरह घसीटता हुआ ले जाओ। तुझे मारने में मुझे दुगनी खुशी होगी, क्योंकि सारी मुसीबत की जड़ तू है। अरे मूर्ख है तू ठाकुर। बड़े भाई भरी हुई पिस्तौल हम अपने पास कभी नहीं रखते। भरोसा नहीं तो चला चला चला। अरे चला। अरे बुरबक, पुरानी आदत है हमारी। मैं हमेशा पहला खाना खाली रखता हूँ। बड़े दुख की बात है कि तुझे मारकर अपनी वर्दी से हाथ धोने पड़ेंगे, मगर तुझे मारने का नशा उसे ज्यादा होगा। कई धोखा, पीछे से गोली।
यही लोग रुद्रा
मार मार के थक जाओगे। कुछ नहीं होगा, जब तक ये आदमी जिंदा रहेगा ये हमें जीने नहीं देगा। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रुद्रा ने जो कुछ किया वो कानून की नज़रों में अपराध है, परंतु जिन परिस्थितियों में रुद्रा ने एक कदम उठाया उसे ध्यान में रखते हुए ये अदालत रुद्रा को 6 महीने कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाती है।